हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मनी वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम अपने रियलमी 11X डिवाइस के अंदर जो ऐप एक्टिविटीज़ होती है, मतलब कि गाइस आपके जैसे कि कोई भी ऐप वगैरह है जो बैकग्राउंड में एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, तो गाइस उसको आप कैसे मतलब इनेबल करके उसको ऑफ कर सकते हैं। तो गाइस ऐप एक्टिविटीज़ को डिसेबल करने से पहले या इनेबल करने से पहले आप हमारी वीडियोज़ को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दोनों ना भूलें। तो गाइस हम वीडियो को सिंपली शुरू कर देते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलता होगा। तो गाइस हमको क्या करना है, हमको सिंपली क्या करना है, गाइस नीचे आना है। नीचे आते गाइस यहाँ पर आपको सिंपली अबाउट फोन में आ जाना है। अबाउट फोन में आने के बाद वजन पे आना है। वजन पे आने के बाद गाइस बैटरी नंबर पर क्लिक करना है। तो सिंपली गाइस आपको जो वो गाइस आपका जो होगा डेवलपर ऑप्शन होगा वो आपका ओपन हो जाएगा। तो गाइस सिंपली डेवलपर ऑप्शन आपके यहाँ पे मिल जाएगा। तो आने के बाद गाइस सिंपली इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाता होगा। तो गाइस आपको सिंपली नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो सिंपली गाइस आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है। तो गाइस यहीं कहीं, तो गाइस यहाँ पर आपको सिंपली गाइस नीचे आने सिंपली यहाँ पे देखिए हार्डवेयर रीडिंग दिख रहा होगा। गाइस यहीं के आपको ऐप्स का ऑप्शन शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको ऐप्स का ऑप्शन शो हो चुका है। तो सिंपली इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक कर देंगे ये होगा कि आपको जो ऑप्शन है, जैसे आपके जो ऐप्स वगैरह होंगे जो आपके बैकग्राउंड में ऑन होंगे मतलब वर्क कर रहे होंगे, तो उन सब ऐप्स की मतलब आपकी जो वर्किंग होगी वो सारी ऑफ हो जाएगी। तो जिससे आपकी जो बैटरी वगैरह है आपका वो बैकअप थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से अपने जो बैकग्राउंड रनिंग ऐप्स ऑप्शन होता है उसको आप इनेबल एंड डिसेबल यहाँ से इजीली कर सकते हो। तो गाइस यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू।